करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करना गरीबों को सम्मानित करने जैसा है। 22 जनवरी को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 जनवरी को गरीब काज किया। तो गरीबी को सम्मानित करने का काम प्रधानमंत्री ने किया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ी बात कही है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, 23 तारीख को इसका ऐलान किया गया और 24 को कर्पूरी बाईस तारीख को मोदी जी ने रामकाज किया और 23 तारीख को गरीब काज करकर राम और गरीब को जोड़ने का प्रयास। 22 तारीख को 500 साल से प्रतीक्षित सभी राम भक्तों का एक स्वप्न कि रामलला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजे, उसको पूरा किया। और 23 तारीख को हजारों लाखों करोड़ों गरीबों, वंचित, पिछड़े, दलित, आदिवासी, इनके मन की वर्षों की तमन्ना कि जिन्होंने पहली बार सामाजिक न्याय को मूर्त रूप देने का काम किया, वो जननायक को भारत रत्न मिले। 23 तारीख को मोदी जी ने उसको भी समाप्त। और अब सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मावरम कैंप हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट। लूटने की नीयत से यहां हमला हुआ था, हमले में 3 नक्सलियों की मौत हुई थी। नक्सलियों ने मौत की बात को स्वीकार लिया है, जवानों के घायल होने का दावा भी नक्सलियों की तरफ से किया गया। लूटने की नीयत से यह हमला किया गया था। नक्सलियों ने 3 नक्सलियों की मौत की बात को भी स्वीकार कर लिया है। आमतौर पर नक्सली इसका खंडन करते हैं, पर अब ये बड़ा अपडेट, लूटने की नीयत से हमला हुआ, 3 नक्सलियों की मौत इसमें हुई थी। सुकमा से ये बड़ा अपडेट, सुकमा के धर्मावरम में कैंप में हुए हमले के मामले में बड़ा अपडेट। लूटने के इरादे से ये हमला किया गया था, नाकाम हमला हालांकि कर दिया गया। 3 नक्सलियों की इसमें मौत हुई है और नक्सलियों ने इस बात को स्वीकारा, ये एक बड़ी बात। आमतौर पर नक्सली अपने साथियों के मारे जाने की बात को सिरे से खारिज कर देते हैं, पर अब वो ये बात, उन्होंने ये बात स्वीकारी है। और जवानों के घायल होने का भी दावा नक्सलियों की तरफ से किया गया है। धर्मावरम कैंप का पूरा मामला, लूटने के इरादे से कैंप पर हमला किया गया। सुकमा के धर्मावरम कैंप हमले से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, और अब खबर धार से, जहां सेल्फी लेना महंगा पड़ा। मांडू में हादसा हो गया, सेल्फी लेने के दौरान एक युवक खाई में जा गिरा। इंदौर का यह युवक बताया जा रहा है, तलाश इसकी की जा रही है, अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। सेल्फी लेने के दौरान अचानक यह खाई में गिर गया, इस तरह की जानकारी लगी, तलाश इसकी की जा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो युवक है ये इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान हादसा हो गया। मांडू में पर्यटन स्थल है, मांडू में सेल्फी लेने के दौरान ये खाई में जा गिरा। सेल्फी और सुसाइड जैसी स्थितियां बार बार ताकीद के बाद भी लोग गलतियां कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
इंडी गठबंधन को बहुत बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल में ममता ने अकेले चुनाव लड़ने का किया